हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूएस मार्केट के बारे में, तो कल यहाँ पे यूएस में जीडीपी डेटा पब्लिश होने के बाद हमें डाओ जोन्स, एसएनपी 500 और नैस्टैक में एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला, लेकिन अभी के लिए हम इनके फ्यूचर लेवल्स में एक मार्जिनल डाउनसाइड को देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे एशियन मार्केट यानी एसजीएक्स निफ्टी 11,650 के ऊपर हमें ओपन होता हुआ दिखाई दिया, जबकि करंटली हम निफ्टी 50 का जो फ्यूचर्स है उसे 11,630 के करीब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। तो आज आपको मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके बाद इसमें थोड़ी सी अगर बाइंग आती है तो ये फिर से 11,650 को रिक्लेम करते हुए मार्जिनली ऊपर यहाँ पे ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम रिसेंटली अनाउंस्ड कुछ Q2 रिजल्ट्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे इंडिगो के केस में हमें रेवेन्यू में 66% का एक डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है, जबकि नेट लॉस यहाँ पे लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ते हुए 1195 करोड़ में यहाँ पे हमें पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। EBITDA यहाँ पे 3.1 टाइम्स यहाँ पे बढ़ चुका है, जो कि 275 करोड़ से, जबकि EBITDA मार्जिन हमें इस बार लास्ट टाइम के मुकाबले ऑलमोस्ट 10 टाइम्स यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में, तो रेवेन्यू में 1.2% का एक अपसाइड हमें देखने को मिला है, जबकि नेट लॉस यहाँ पे नैरो होते हुए हमें 7,218 करोड़ पे देखने को मिल जाता है। EBITDA को हम इस बार 1.3% के मार्जिन से ग्रो होता हुआ देख सकते हैं, जबकि EBITDA मार्जिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें फ्लैट इस बार दिखाई दे रहा है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में हम इस बार एक मार्जिनल इम्प्रूवमेंट को देख सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर 114 रुपी यहाँ पे देखने को मिल रहा था, वो इस बार 119 के रेट पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी भी इसका जो एवरेज रेवेन्यू है वो जियो और एयरटेल के मुकाबले काफ़ी कम है, तो कंपनी को इस बारे में काफ़ी यहाँ पे सोचना चाहिए। इसके बाद अगर TVS मोटर के बारे में बात करें, तो रेवेन्यू में इस बार 6% का अपसाइड और नेट प्रॉफिट में 12% का एक अपसाइड को यहाँ पे देखा जा सकता है। EBITDA में 13% का अपसाइड और EBITDA मार्जिन में इस बार यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.5% का एक इम्प्रूवमेंट हमें इस बार यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज यहाँ पे आपको इन सब स्टॉक्स के ऊपर अपना नज़र बनाए रखना है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट के बाद आपको इन सब स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम ADR लेवल्स की ओर देखें, तो यहाँ पे HDFC बैंक और इन्फोसिस को छोड़ के बाकी सभी ADR लेवल्स में एक मार्जिनल रैली हमें देखने को मिल रहा है, जबकि कैश मार्केट में हम अभी FIIs और DIIs के साइड से यहाँ पे नेट सेलिंग को यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट में हमें L&T, ONGC, BHEL, टाइटन और L&T फाइनेंस के केस में यहाँ पे एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन दिखाई दे रहा है, तो इनमें आपको आज एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद मार्केट के आउटलुक के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल साइड पे 12,500 और पुट साइड में यहाँ पे 11,600 पे हमें देखने को मिल रहा है। एक्टिव ऑप्शंस को हम 11,600 और 12,500 पे यहाँ पे पुट और कॉल साइड पे रेस्पेक्टिवली देख सकते हैं, और यहाँ पे मंथली एक्सपायरी हमें एक रेंज बाउंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉल साइड में हम इसे 12,000 और पुट साइड में करेंटली हम इसे 11,500 पे देख सकते हैं। तो अगर आज आपको मार्केट कल की क्लोजिंग के ऊपर, कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास यानी कि 11,650 के करीब अगर ये ओपन होता हुआ दिखाई देता है और इस लेवल को अगर ये सस्टेन करता है, तो आज आपको मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड बिहेव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप हमारे साथ रियल टाइम जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसमें अपना एक फीडबैक आप एक लाइक के तौर पर दे सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। फाइनली अगर हम कुछ ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा न्यूज़ टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर आ रहा है, जिसमें सापोजी पालोनजी ग्रुप के मिस्त्री फैमिली यहाँ पे टाटा सन्स में अपना जो स्टेक है उसे यहाँ पे बेचने का यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसके बदले वो टाटा ग्रुप के लिस्टेड एंटिटीज जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और TCS जैसे कुछ कंपनीज में अपना यहाँ पे स्टेक बढ़ाना चाहते हैं।
इनकी टाटा ग्रुप में जो 18.37% का स्टेक है उसकी वैल्यूएशन 1.75 लाख करोड़ है। तो उसके बदले आपको यहाँ पे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में अगर इनका कोई भी एक्विजिशन होता है तो आपको इन सभी स्टॉक्स में थोड़ी सी हलचल यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और आज यहाँ पे आपको Q2 रिजल्ट्स में इंडियन ऑयल, इंडसइंड बैंक, रिलायंस, UPL, दीपक नाइट्राइट, डिक्शन टेक्नोलॉजीज, DLF, एडलवाइस, जिंदल स्टील, जस्ट डायल, मैक्स फाइनेंशियल्स, मोतीलाल ओसवाल, क्वेस कॉर्प और रेन इंडस्ट्रीज जैसी कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स अनाउंस होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के केस में यहाँ पे हम बोर्ड को नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की मदद से यहाँ पे 1200 करोड़ का एक फंड रेज प्लान को अप्रूव करते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वेदांति के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रिजिल जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने इसके लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज को यहाँ पे AA से घटाते हुए AA- पे यहाँ पे सेट किया हुआ है और इसका जो करंट आउटलुक है उसे नेगेटिव से यहाँ पे स्टेबल में यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। कंपनी यहाँ पे अपने Q2 रिजल्ट्स को November 6 को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकती है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को कमेंट करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसे ही और भी कई सारे वीडियोस आगे भी ला सकें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।